हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल 24। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, दैट इज 90 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो थंबनेल में ये क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डेलहाउसी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 90 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। हु वॉज द फर्स्ट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है वो? दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वॉज द पिट इंडिया एक्ट पास, तो पिट इंडिया एक्ट कब पास हुआ रहा? 1984 में। ओके, 1984। बैटल ऑफ स्वेली हॉल वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, दैट इज पोर्टुगल एंड फ्रांस। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डैश एज सिविलाइजेशन, दैट इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमान इज इन विच लैंग्वेज, दैट इज संस्कृत लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना, दैट इज बाणभट्टा। वेयर डिड ऋग्वेद आर्यन लिव इन इंडिया, सप्त सिंधु एरिया। द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ड बाई शाहजहान। मैगस्थेनिस इंडिका डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ मौर्यास। इन विच ईयर ऑल द इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज फॉर्म, 1920। ओके, नेक्स्ट, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वॉज मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदर्स कॉन्टेंट एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल, दैट इज अर्थवेदा। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट टाइम वॉज मनु। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट इज एम्बलम ऑफ इंडिया हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज मुंडक उपनिषद। ओके, नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज एओ ह्यूम। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अटेम्प्ट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया वॉज अलाउद्दीन खिलजी। अप टू वेयर डी चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट, हिंदू कुश रेंज। महात्मा गांधी ऑन्ड हिज इंस्क्रिप्शन फॉर सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू थोरियो। द चालुक्यस एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन द डिकैन। ओके, नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, जे ए हिक्की। अंडर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, चार्टर एक्ट 1833। इन विच ईयर डिड गांधीजी अंडरटेक द फेमस डांडी मार्च, 1930। फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री ऑफ द डच वॉज सेटअप इन मसूलपट्टनम। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, फ्रांसिको दे एल्मेडा। ओके, नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रिटिश बॉक्सर वॉज कंपनी सुपरमेसी ओवर बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अकबर, पर्सियन। हु बिल्ड द इबाता खाना एट फतेहपुर सिकरी, अकबर। मोहम्मद गोरी वॉज फर्स्ट डिफीटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, भीमा टू। हुमायूनामा वॉज रिटन बाई गुलबदन बेगम। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड द सप्तांग थ्योरी, कौतल्या। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ड बाई नरसिम्हा देवा, टू विच डायनेस्टी डिड ही बिलोंग्स टू, इम्पीरियल गंगा डायनेस्टी। विथ रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत हु वॉज द फाउंडर ऑफ सईद डायनेस्टी, खिजर खान। द दिल्ली सुल्तान हु फेल टू हिज डेथ वाइल प्लेइंग पोलो वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ड बाई अकबर टू कॉमरेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ खंदेश इन गुजरात, दैट इज बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू। कुवत उल इस्लाम मॉस्क्यू वॉज बिल्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। द गुरिल्ला वारफेयर वॉज पायनियर्ड बाई शिवाजी। हु एमोंग द फॉलोइंग वॉज द रिलीजियस गुरु ऑफ शिवाजी,
रामदास स्वामी। हु अमोंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द पिलर फ्रॉम टोपरा एंड मेरू टू न्यू दिल्ली? फिरोज शाह तुग। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग मुगल रूलर टुक मेजर्स अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती? अकबर। इन द मराठा एम्पायर द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल मिनिस्टर वॉज कॉल्ड पेशवा। द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द माइन इन गोलकोंडा। द कुतुब मीनार वॉज कॉम्प्लीटेड बाई द फेमस रूलर इल्तुतमिश। ड्यूरिंग द रूल ऑफ डैश आई बी एन बतूता विजिटेड इन इंडिया? दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, हु एमोंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवानम पियादसी? मौर्यन किंग अशोका। ग्रेटेस्ट स्तूपा ऑफ सांची इज एट मध्य प्रदेश। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वॉज उपा गुप्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपेयर ऑन द एबाकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका? दैट इज डियर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्ता? चाणक्य। ओके, नेक्स्ट, मेगास्थेनिस वॉज एन इनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? सेलूकस। डिविजन ऑफ मौर्य सोसाइटी इंटू सेवन क्लासेज वॉज पार्टिकुलरली मैंशन इन द इंडिका ऑफ मेगास्थेनिस। Which one of the following dynasty was ruling over North India at the time of Alexander's invention? That is Nanda. Mahabalipuram was established by Dash during the 7th and 10th century Pallava. Gandhara school of art flourished during the period of Kushan dynasty. The famous Kailashnath temple at Kanchi is dedicated to Lord Shiva. The famous Kailash temple of Shiva at Ellora is built by Krishna I, who is the ruler of Rashtrakuta dynasty. The Brihadeshwar temple at Tanjore was built by Rajaraja Chola. Which of the following art style combines India and Greek feature? Gandhara. Who introduced Mansabdari system in India? Akbar. The cabinet mission of 1946 was led by Sir Patrick Lawrence. A collective term used by the Jains for their sacred book is Agamas. Who propounded the doctrine of passive resistance? Aurobindo Ghosh. The first Muslim to be elected president of Indian National Congress was Badruddin Tyabji. Next, who has built the Vijay Stambh Tower of Victory in Chittorgarh, Rana Sangha? Who among the following was the successor of Guru Nanak Dev? Guru Angad Dev. Rajya Sultan, the first woman to sit on the throne of Delhi, was the ruler of Slave Dynasty. Nadir Shah, who invaded Delhi and plundered the Kohinoor Diamond, was one of the most powerful from Iran. Who among the following founded the city of Tughlakabad? Ghiyasuddin Tughlaq. Chhatrapati Shivaji Maharaj established his capital at Raigarh. The Government of India Act 1919 is also known as Montagu Chelmsford Reform. The Arthashastra was written by Chanakya. Alexander defeated Dash in the Battle of Hydaspes. From which monument Gautam Buddha propagated his divine knowledge of Buddhism to the world? Sarnath Stupa. Jinnah gave his opposition to Wavell plan in the conference held at Shimla. The Digambarans and Septambarans differed primarily with regard to their dress. Who founded the Home Rule League in Madras in 1916? Annie Besant. In which season of Indian National Congress the tricolor flag was unfurled for the first time? Lahore Congress 1929. Who spoke at the stroke of midnight when the world slipped India awake to life and freedom? Jawaharlal Nehru. The Ahmedabad Satyagraha of Gandhi was directed against mill owner. During colonial period, British capital was mainly invested in agriculture.
Which town city in India has got the tower Minar named after Muhammad Ali Jinnah? Guntur. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है पॉपुलर फ्रीडम स्ट्रगल सॉन्ग ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज पीरियड इन इंडिया एसोसिएटेड टू राम प्रसाद बिस्मिल द टाइटल इंडिया नेपोलियन हैज़ बीन अटैच्ड टू समुद्र गुप्ता औरंगाबेज पुट हिज फादर डैश अंडर हाउस अरेस्ट इन आगरा फोर्ट शाहजहां हु वॉज द लास्ट एम्पायर ऑफ मौर्य डायनेस्टी बृहद्रथा द लाहौर रिजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाई ए के फजलुल हक The Hunter Commission was appointed by the British government in 1882 to review the progress of education in India. Who propounded the motto go back to the Vedas? Dayanand Saraswati. Name the representative of India women in the second round table conference, Sarojini Naidu. And the last one is, which British Governor General introduced postage stamps in India? That is Lord Dalhousie. Okay. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके बार बार एग्जाम से पूछा जाता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ओके तो इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन करके रख ले और इसे रोज हमेशा रिवाइज करें ओके तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जॉब बिस्ट को थैंक यू